अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली नूर ब्लोच, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट है। मैं आज आपसे मुखातिब हूँ अपने चैनल के ज़रिए कानून सब के लिए। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक डिफरेंस बिटवीन जूनियर और सीनियर क्या होता है। जी, मज़ीद तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अक्सर देखने में ये आया है कि जूनियर हजरात, जूनियर वकला जितने भी होते हैं, वो ये गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि हमें सीनियर कुछ नहीं देता, हमारे साथ डांट डपट होती है, हमें काम नहीं आ रहा। दो दो तीन तीन साल सीनियर्स के साथ लगाए होते हैं लेकिन फिर भी उनके ये शिकवे शिकायत कम नहीं होते। दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि इसके पीछे हकायक क्या हैं। हकीकत यही है कि जूनियर वकला जो हैं, उन्होंने जो मेहनत करनी थी वो उन्होंने नहीं की, जिस तरह से उनको लगन से काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। दोस्तों, सीनियर सीनियर होता है, कम से कम इस फील्ड में उसकी 20, 15, 30, 40 साल उसने लगाए होते हैं। अगर वो इस वक्त करोड़ों रुपए या लाखों रुपए या अरबों रुपए कमा रहा है तो ये उसकी मेहनत का सिला उसको मिल रहा है। हमें कभी भी पैसे के मामले में नहीं सोचना चाहिए। देखें, कल आप भी सीनियर होंगे, कल आपको भी आपके भी जूनियर आएंगे, आपके भी जूनियर होंगे, तो इस वजह से दिल छोटा मत कीजिए, बल्कि मेहनत कीजिए, लगन से काम कीजिए। देखें, हर काम के लिए मेहनत है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी खुदा पाक आपको, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा पाक आपको कामयाब करेंगे, आपके अंदर वो सलाहियत उजागर होगी। जितने ज़्यादा केसेस हैं आप उनकी डेली बेस पे स्टडी करें, अपनी केसेस लिस्ट को, अपनी डायरी को हमेशा मेंटेन रखें। सीनियर जो भी कह रहा है उसकी बात को गौर से सुने। जब वो अपने क्लाइंट्स के साथ बैठा है तो जो क्लाइंट्स के साथ उसकी गुफ्तगू शनीद हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जिन पॉइंट्स पे वकील साहब उनसे बात कर रहे हैं, तो जूनियर को भी चाहिए कि वो उनसे उस वक्त मौजूद रहें और उनसे कुछ सीखें। जी, तो मेरा आपसे यही कहना था कि कभी भी अपने सीनियर के बारे में गलत ना सोचिए। सीनियर कभी गलत नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी जूनियर वकला की तरफ से मेहनत में जो कमी है उसको अगर वो दूर करते हैं तो इंशाल्लाह वो भी कामयाब व कामरान होंगे। अल्लाह हाफिज़।